तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर यूपी लेखपाल भर्ती 2021 के हमारे जितने भी छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं आप सभी के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग आज की यानी कि 15 मार्च 2021 की जो भी अपडेट आ रही है यूपी लेखपाल भर्ती 2021 से संबंधित वो बताने वाले हैं और साथ ही साथ आप सभी की जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे, काफ़ी सारे कैंडिडेटों का लगातार सवाल भी बना हुआ था तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे से अगर कोई भी बड़ी अपडेट आती यूपी लेखपाल भर्ती 2021 से रिलेटेड आप सभी तक सबसे पहले पहुंचा दी जाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर आवेदन कब से होंगे, ठीक है तो आप लोगों को हमने पहले भी बता चुके थे लेकिन जो आज इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है उससे आप लोगों को साफ हो जाएगा कि हाँ आखिर इस दिन से आवेदन होने लगेंगे और आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का टाइम हो गया इंतजार करते करते, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट एक और सवाल बना हुआ था UPPSC RO AR, ठीक है आप लोग काफ़ी सारे फॉर्म भरे थे, ठीक है काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे और कहते सर कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म बताइए जहां हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर सके, तो आपको बता दें अनअकैडमी पर यहां पे लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है UPPSC RO AR एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए और ये आपका बैच कोर्स 90 दिन का होगा। 18 मार्च से ये बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। 3 मंथ का ये आपका होने वाला है, ठीक है बैच कोर्स। वीडियो को ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच कोर्स की लिंक अवेलेबल करा देंगे। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर इस बैच कोर्स में दिए गए हैं, ठीक है आप लोगों को हर सब्जेक्ट के वो भी और इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, ठीक है हर लाइव क्लास की आपको PDF नोट दी जाएगी और इस बैच कोर्स में आप लोग ABHAY-10 कोड अप्लाई करके एनरोल कर सकते हैं और अधिक से अधिक डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को यही कोड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ABHAY-10। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं जो UPPSC RO AR की तैयारी करें या यूपी लेखपाल भर्ती की तैयारी करें तो आप लोग इस बैच कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको क्लियर कर देते हैं कुछ बातें, ठीक है सबसे पहले कई कैंडिडेट ये भी सोच रहे हैं कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आएगा, ठीक है तो आपको बता दें लेखपाल भर्ती का जो पहला स्टेप है वो आपका है PET, ठीक है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब PET का नोटिफिकेशन पहले आएगा जब आपका PET हेल्ड हो जाएगा, इसके बाद आपका जो है यूपी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपका मई के बाद आएगा, ठीक है जून 2021 में यूपी लेखपाल भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। सबसे पहले PET के नोटिफिकेशन की बात कर लें क्योंकि आप लोग भी जानते हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2021 में आपकी जो 8200 पदों पर जो बंपर भर्ती होनी है उसको 3 महीनों में दोस्तों अभी आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है 3 महीनों में और जो डेट आ रही है वो दोस्तों आपका है मई, ठीक है मई 2021 में आप सभी की यूपी की जो आपकी लेखपाल की PET का एग्ज़ाम होना है, ठीक है मई में होगा मई 2021 में और इसका जो है सिलेबस भी आ चुका है विभाग की ऑफिशियल साइट पर। जब आपका UPPET का एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आप सभी के यूपी लेखपाल भर्ती के आवेदन मांगे जाएंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग की डेट बता दें तो आपको बता दें मार्च 2021 के लास्ट में आप सभी जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मांगे जा सकते हैं, ठीक है और अप्रैल तक ही इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है अप्रैल 2021 तक ही। और जो एग्ज़ाम में दोस्तों आपका मई 2021 में होगा PET का जो आपका एग्ज़ाम होगा इससे आप लोग ये होगा कि आप लोगों को सीधा लेखपाल भर्ती का जो आपका अगला एग्ज़ाम होता है मेंस का एग्ज़ाम वो आप लोगों को देने का मौका मिलेगा, ठीक है तो आप लोगों को सबसे पहले PET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके बाद आपका लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है मेंस का एग्ज़ाम डायरेक्ट है, ठीक है तो ये है पूरा। और इस बार इंग्लिश भी रखी जाएगी, काफ़ी सारे कैंडिडेट कहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आए तो आपको बता दें इंग्लिश भी इस बार है, ठीक है इंग्लिश की भी आप लोग तैयारी करिए।